एक समय की बात है, राजा चित्रकेतु मगध राज्य को शासित कर रहे थे। उन्हें साहित्य से बड़ा लगाव था। वो अपने शाही दरबार में महान कवियों को ज्यादा महत्व देते थे। उन कवियों में से चिदंबरम नाम के कवि राजा को बहुत ज्यादा पसंद थे। एक दिन चिदंबरम ने अपनी कविता पंचभूत राजा को समर्पित की। राजा चित्रकेतु हर किसी को पंचभूत के बारे में बताते और उसकी प्रशंसा करते। एक दिन रात के समय राजा और महामंत्री अलग अलग भेस में राज्य के चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्होंने एक जगह चार आदमियों को कुछ चर्चा करते देखा। हमारे राजा के पसंदीदा कवि चिदंबरम ने पंचभूत नाम की कविता लिखी है। सभी उसे एक महान कविता मान रहे हैं क्योंकि उनका राजा के प्रति अगाध प्रेम है, और या फिर वो राजा को दुखी नहीं करना चाहते, है ना? कन्हैया, तुम सच कह रहे हो। पंचभूत नाम की लिखी कविता ऐसी कविता नहीं जो सदियों तक याद रखी जाए। राजा चाहे तो एक बंदर भी विद्वान बन सकता है। उनकी ये बात सुनकर राजा बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि उन सब ने मिलकर उनके पसंदीदा कवि चिदंबरम का अपमान किया था। राजा इस बात को सहन नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह ही राजा ने उन चारों आदमियों को सभा कक्ष में बुलाया। क्या तुमने साहित्य पढ़ा है? क्या तुमने कभी कोई कविता लिखी है? इससे वो चारों आदमी समझ गए कि राजा ने बीती रात उनकी बातचीत सुन ली है। राजा, हमने साहित्य बहुत अच्छी तरह तो नहीं पढ़ा, ना ही हमने कभी कोई कविता लिखी है। फिर तुमने इतने महान कवि चिदंबरम की लिखी हुई कविता पंचभूत की बुराई कैसे की? तुम्हारे अंदर इतना साहस कहां से आया? राजा, कृपया हमें क्षमा कर दे, लेकिन पंचभूत ने हमें सच में प्रभावित नहीं किया। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर मुझे पंचभूत से अधिक रोचक कविता लिखकर लाकर दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और तुम चारों को अपनी सभा में कवि का पद दूंगा, नहीं तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं तुम चारों को सबके सामने फांसी की सजा दूंगा। वहां महामंत्री कुंकू भट्ट बैठे थे। राजा का कवि चिदंबरम के लिए बड़ा स्नेह है, लेकिन ये इतना मूर्खता भरा नहीं होना चाहिए। मुझे किसी युक्ति से महाराज में परिवर्तन लाना होगा। एक हफ्ता बहुत जल्द गुजर गया। उस दिन वो चार आदमी अपना सर नीचे किए हुए सभा कक्ष में सभी के सामने खड़े थे। कहाँ है वो कविता जो तुमने लिखी? प्रिय राजा, हमें कविता लिखना आता ही नहीं, हम कोई कवि तो है नहीं। इस तरह उन्होंने राजा से बड़ी विनम्रता से कहा। तुम जैसे लोग जो बिना किसी चीज को समझे उसकी बुराई करते हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तभी उस राज्य के मंदिर का पुजारी राम तीर्थ वहां आया। महाराज, आज एकादशी है, मैं आपको प्रसाद देने आया था। ये कहते हुए उसने राजा के हाथ में एक लड्डू दिया। राजा ने तुरंत उस लड्डू को लेकर मुंह में डाला, लेकिन ये कहकर थूक दिया कि वो कड़वा है। ये क्या पुजारी, लड्डू मीठा होता है या कड़वा? इस तरह वो जोर से चिल्लाए। महाराज, आपको पता है कि लड्डू बनता कैसे है? महामंत्री, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं कैसे बना सकता हूँ लड्डू, और मुझे जानने की जरूरत भी क्या है? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, फिर आपने कैसे कहा कि लड्डू मीठा नहीं कड़वा है? क्या केवल लड्डू खाकर उसका स्वाद नहीं बताया जा सकता? उसके लिए क्या मुझे उसे बनाना आना चाहिए? लेकिन भगवान के प्रसाद में गलती ढूंढना, क्या ये सही बात है? इसका मतलब है कि प्रसाद को कड़वा बताकर आपने ईश्वर का अपमान किया है ना? महामंत्री, मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, जरा साफ साफ शब्दों में कहिए ना। महाराज, अगर कोई कविता पढ़ना चाहता है तो उसमें उसकी रुचि होना ही काफी है। पढ़ने वाला कविता लिखना भी जाने, ये तो जरूरी नहीं, मगर उन्हें ये कहने का अधिकार है कि उन्हें कविता अच्छी लगी या नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं कि हर कविता हर किसी को प्रभावित करनी ही चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, फांसी की सजा का निर्णय वापस ले लीजिए। इससे राजा को सच्चाई समझ आई और वो बोले, महामंत्री, इस कड़वे लड्डू के माध्यम से आपने मेरे मूर्खता भरे स्नेह का उपचार किया है। प्रिय पुजारी जी, अब आप मीठा वाला लड्डू महाराज को खिलाइए। ऐसा कहते हुए महामंत्री मुस्कुरा दिए। इससे सभा कक्ष में सभी उपस्थित लोग खुशी से हंस दिए। कई वर्षों पहले की बात है, राजा विशाल वर्मा अवंती राज्य पर शासन कर रहे थे। एक दिन अचानक उन्होंने भीख मांगने की प्रवृत्ति को अपने राज्य में खत्म करने की सोची और फिर अपने राज्य में भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया।
यहाँ तक कि अगर दयावश कोई किसी को कुछ दान करता तो उसे अपराध माना जाता और इस अपराध की सजा दान करने वाले का एक हाथ को काट दिया जाना था। पास के एक गांव में मीनाक्षी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। एक दिन जब वो दोपहर में उड़द की रोटियां तैयार कर रही थी तो एक संत मीनाक्षी के घर आए और बाहर बरामदे में अचानक बेहोश हो गए। मीनाक्षी ने देखा तो उनके चेहरे पर तुरंत पानी छिड़का। संत ने होश में आने के बाद कहा, बेटी मैं निदान तो बोल रही हूँ, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, रास्ते में चोरों ने मुझ पर हमला किया और मेरे सारे पैसे चुरा लिए। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं कई घरों में गया लेकिन इस राज्य में लोग राजा द्वारा पारित आदेश से डरते हैं और मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे। बेहद कमजोरी की वजह से ही मैं बेहोश हो गया। प्रिय संत, मैंने अभी अभी काले चने की रोटियां तैयार की, उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई। बेटी तुम्हारे दिल में बहुत दया है, तुम मुझे वो रोटियां दे रही हो जो तुमने खुद के लिए तैयार की है। मुझे भीख देने पर तुमको सजा भी मिलेगी, वो तुम्हारा एक हाथ काट देंगे, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ। संत आप इतना सब नहीं सोचिए, पहले कुछ खाकर अपनी कमजोरी दूर करिए, हाथ कट जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मीनाक्षी ने उस संत को काले चने की रोटियां दी। संत ने खुशी से खाया और कहा, बेटी तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह संत ने मीनाक्षी को आशीर्वाद दिया और चले गए। राजा के पहरेदारों ने देख लिया था कि मीनाक्षी ने संत को रोटियां खिलाई है, उन्होंने उसे राजा के सामने पेश किया। मीनाक्षी ने स्वीकारा कि उसने भूखे संत को काले चने की रोटियां दी थी। तुरंत राजा विशाल वर्मा ने अपने आदमियों को आदेश दिया, मीनाक्षी ने कबूल किया है कि उसने भीख दी है, उसका दाहिना हाथ काट दिया जाए। लेकिन मीनाक्षी के आत्मविश्वास से विशाल वर्मा विचलित था, वो उसकी सुंदरता से भी प्रभावित था। मीनाक्षी एक सुंदर लड़की है महाराज, जिसमें सभी अच्छे गुण हैं और उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है। ये जानकर विशाल वर्मा ने मीनाक्षी से शादी कर ली। राजा की पहली पत्नी इंदुमती को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि मीनाक्षी का दाहिना हाथ कट चुका था। अपने अच्छे व्यवहार की वजह से मीनाक्षी दिन ब दिन राजा के करीब होती गई। इंदुमती से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने उसे राजा से दूर करने की सोची। वो सही समय का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद मीनाक्षी ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर एक दिन राजा को पड़ोसी राज्य से निमंत्रण मिला और वो वहां के लिए निकल गए। इंदुमती ने सोचा कि मीनाक्षी से छुटकारा पाने का यही सही समय है। उसने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मीनाक्षी एक चुड़ैल है, उसने हमारे राजा पर कुछ मंत्र फूके हैं, नहीं तो राजा एक हाथ कटी लड़की से शादी कैसे कर सकते थे, ये अजीब नहीं है। इस तरह उसने सबके दिल में संदेह पैदा किया। राजा की माँ ने इंदुमती की बात पर भरोसा कर लिया और मीनाक्षी को शहर से बाहर निकाल दिया। राजा के पहरेदारों ने मीनाक्षी और उसके बेटे को ले जाकर शहर के बाहरी इलाके में छोड़ दिया। मीनाक्षी असहाय सी एक झील के किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ समय बाद उसका बेटा भूखा होने से जोर जोर से रोने लगा। मीनाक्षी बहुत दुखी हो गई। फिर उसने अपने बच्चे को कुछ पानी देने के लिए सोचा और झील में उतरी, क्योंकि उसका एक ही हाथ था, उसका बेटा उसके हाथ से फिसल कर पानी में गिर गया। वो उसे रोक नहीं सकी और रोने लगी। इसी बीच संत मिदान टपोटलू वहां आए और उससे पूछा, बेटी तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हुआ? संत मेरा बेटा पानी में गिरकर बह गया। बेटी तुमने उस दिन मुझे काले चने की रोटियां खिलाकर मेरी जान बचाई थी, अब ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद करने का अवसर दिया है। मैंने लंबे समय तक तपस्या करके शक्तियां प्राप्त की हैं, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता। संत लोगों के भले के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कीजिए। मीनाक्षी ने उस विकट परिस्थिति में भी कोई मदद नहीं मांगी, संत का उसके प्रति सम्मान और बढ़ गया। बेटी तुम जैसे लोग इस दुनिया में बिरले ही हैं। उस दिन तुमने मुझे 3 रोटियां दी थी, इसलिए आज मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, जो चाहो मांग लो। संत कृपया मेरे बेटे को सुरक्षित वापस ले आइए। तब संत ने कुछ मंत्र का जाप किया
तुरंत मीनाक्षी का बेटा जो झील में बह गया था उसकी गोद में दिखाई दिया। जैसे ही वो लड़का अपनी माँ की गोद में आया उसने खिलखिलाना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची अभी भी दो वरदान बचे हैं, प्रिय संत मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे को वापस लाकर आपने जो उपकार किया है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मीनाक्षी के कुछ और न मांगने पर भी उन्होंने उसका दाहिना हाथ वापस ला दिया। तभी पड़ोसी राज्य से लौट रहे राजा उस तरफ से निकले। मीनाक्षी और अपने बेटे को वहां देखकर वो हैरान रह गए। फिर उन्हें पता चला कि इंदुमती ने एक साजिश रचकर मीनाक्षी को महल से निकाल दिया। उन्होंने तुरंत इंदुमती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तब से राजा बड़े प्यार से मीनाक्षी और उसके बेटे की देखभाल करने लगे।